नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादर टीवी पर। मैं हूँ आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे हाथ में पत्थर तो शहर में पोस्टर। उत्तर प्रदेश में संबल दंगों के बाद अब योगी सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने लगभग 100 लोगों के पोस्टर जारी किए। ये सारे लोग पत्थरबाज हैं। इनमें से ज्यादातर के हाथ में पत्थर हैं और इनके मुंह बंधे हुए हैं। इसमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने पत्थरबाजी के सिलसिले में जिन 27 लोगों को गिरफ्तार किया, उनमें से भी 4 महिलाएं हैं। सरकार का कहना है कि पत्थरबाजों के पोस्टर चौराहे पर लगाए जाएंगे, सभी को गिरफ्तार किया जाएगा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई पत्थरबाजों से की जाएगी। पुलिस और भी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के शॉट्स और भी चीजें परीक्षण कर रही है। आने वाले समय में और लोगों के पोस्टर्स भी जारी होंगे। सरकार किसी भी दोषी को बख्शने के मूड में नहीं है। उत्तर प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि कानून बिगाड़ने वालों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पत्थरबाजी करने वाले, दंगा भड़काने वाले उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थान पर लगाए जाएंगे। सार्वजनिक संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उपद्रवियों से कराई जाएगी। इधर योगी सरकार भी हिंसा में जिन जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनकी पहचान के बाद नुकसान की वसूली की तैयारी कर रही है। गृह और पुलिस विभाग इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। जिस पर टिप्पणी करते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में नफरत फैला रही है और दंगा कराना चाहती है। क्या संबल में दंगे की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी और पत्थरबाजी के लिए उकसाने वालों के खिलाफ एक्शन कब होगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देती हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से प्रशासन की लापरवाही की वजह से इस तरह का इंसिडेंट हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर ध्रुवीकरण की सियासत को बढ़ावा देना चाहती है, ये सरासर राजनीति के दृष्टि से अच्छा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव के ठीक बाद, परिणाम आने के ठीक बाद इस तरह का इंसिडेंट होना, इतने बड़े पैमाने पर 5 लोगों की मृत्यु हो गई, मैं कह सकता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। और अब योगी आदित्यनाथ जी जो कार्रवाई कर रहे हैं, इससे पहले सीएनआरसी के मामले में इस तरह की कार्रवाई हुई थी जहां पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी। मैं कहता हूं जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। हम लोगों ने ये मांग करी कि किसी वर्तमान हाईकोर्ट के न्यायाधीश से पूरी घटना की जांच कराई जाए और इसमें जो भी जिम्मेदार दोषी प्रशासन के पुलिस के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये 4 लोगों की मौत जो है ये प्रशासन, सरकार और पुलिस ने उनकी हत्या करने का काम किया है और इसमें जो भी दोषी लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह से लगातार पहले बहराइच में किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में दंगा, हिंसा, आगजनी करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जो नफरत की राजनीति फैला रहे हैं उसी कारण से पूरे प्रदेश में दंगे और हिंसा हो रही है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सपा के जो भी मुखिया जो भी ये चीज बोल रहे हैं वो अपनी आप बीती बता रहे हैं। जैसे उनकी सरकार थी तो दंगा ही होती थी, वहां पे प्रशासन पे हावी रहते थे। तो भाजपा की सरकार है और योगी और मोदी जी की सरकार है, इसमें देखिए ऐसा कुछ नहीं है। एक न्यायपालिका के तहत वहां न्याय करने के लिए टीम गई हुई थी, लगातार वहां सर्वे हो रहा था, वहां कुछ उपद्रव लोग ने एक मंशा के तहत वहां पे कुछ वहां पे हुआ, जो प्रशासन लगातार उस पर कार्यक्रम कर रही, मजिस्ट्रेट टीम बैठाई गई है और सब लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं और लगातार जांच भी हो रहा है। जो भी इस तरह की हरकत किया है वो छोड़ा नहीं जाएगा और बख्शा भी नहीं जाएगा। सीधा एक संदेश कि अगर दंगा करेंगे या उपद्रव फैलाएंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। और फिर उसके बाद ये जो तस्वीरें सामने आई हैं इनमें अगर ये आरोप लगते हैं कि किसने करवाए किसने नहीं करवाए तो इनमें से किसी जो भी लोग हैं उनको पहचानिए, कौन किसके लिए काम करता है। सवाल जवाब के इतर ये भी एक बात समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के दंगों को गलत और सिर्फ गलत बोलना चाहिए, लेकिन इस पर सियासत हो रही है। सब अपने अपने तरीके से इसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम समझते हैं, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे और हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे उनके लेवल पर, वो इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं। हरिंद्र विक्रम सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, स्वागत करती हूँ। वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, स्वागत करती हूँ। अशोक तिवारी जी सपा से जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत सर। नीरज मेहरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि
लोगों के पोस्टर्स जारी कर दिए गए हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की या इस तरह के दंगों में सहयोग दिया अपना, उनके साफ तौर पर चेहरे सामने हैं और इस कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। नीरज जी देखिए पारुल जी, निश्चित रूप से किसी भी प्रदेश में घटनाओं के, उत्तर प्रदेश का मामला है, उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे बसपा की हो, सबसे पहली चीज है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का इकबाल बुलंद रहना चाहिए किसी भी कीमत पे। और पत्थरबाजी से न्याय मांगने का तरीका बहुत गलत है। कानून अदालत के आदेश पे वहां सर्वे हो रहा था, सर्वे हो जाने देते, कोई तोड़ने की बात नहीं हो रही थी, केवल सर्वे हो रहा था। आपको कानूनी तरीके से बात करनी चाहिए थी। एक मैं छोटा सा पारुल जी उदाहरण दूंगा, 20,000 छात्र इलाहाबाद में प्रदर्शन कर रहे थे, ना वो गाड़ियां चला रहे थे, ना वो पत्थर चला रहे थे, ना तोड़फोड़ कर रहे थे। उन्होंने अपने शांतिपूर्ण ढंग से न्याय मांगा, जिलाधिकारी वहां पहुंचे, कमिश्नर पहुंचे, मुख्यमंत्री तक बात आई, उनकी बात सुनी गई और उनको आश्वासन दिया गया और परीक्षा की डेट फिक्स की गई, जिस तरह भी हो। लेकिन जो तालिबानी व्यवस्था के तहत आप पत्थरबाजी करके जिला प्रशासन में अगर न्याय मांगने की कोशिश करेंगे या विद्रोह करेंगे, निश्चित रूप से गलत है। सरकार जो कार्रवाई कर रही है इससे भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन के ऊपर पथराव करना ये निश्चित कहां कहां का न्याय है। हिंदुस्तान में ये संविधान नहीं है, हिंदुस्तान की संविधान कानून की तरह बात करिए ना। आप अदालत जाते, आपको अदालत से अदालत के आदेश हुआ था, अदालत से न्याय मांगते। लेकिन जिस तरह से वहां पत्थरबाजी हुई और बहुत दुखद घटना है, लोग मरे, 4 लोग मरे, जिसके परिवार का मरा वो निश्चित रूप से सरकार के लिए भी निंदनीय है और दुखद बात है। तीसरी बड़ी बात, वहां की लोकल एलआई निश्चित रूप से सरकार की फेल रही। सरकार को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए कि पत्थर कोई 5 मिनट में इकट्ठे नहीं हो गए, पहले से तैयारी थी। निश्चित रूप से एलआई क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस उनकी क्या कर रही थी लोकल स्तर पर। जी पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर लेती हूँ कि हरिंदर जी, ये भी कहा जा रहा है कि नफरत फैलाने का काम आप लोग कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे? जी पारुल जी नमस्कार। पारुल जी जैसा कि अभी संबल की घटना को आपने देखा जी, और इसके पूर्व अभी 9 विधानसभा के उपचुनाव हुए, जनता ने पूर्व भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा बहुमत दिया और जो पार्टियां चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों को यह अपनी हार पच नहीं रही। जनता भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत होती चली जा रही है, जनता इस पर विश्वास कर रही है। हम हमारी तरफ ठीक है, लौटूंगे सर आपके पास, वॉइस ब्रेक हो रहा है अब आपका। अशोक जी, अगर पत्थरबाज इस तरह की घटना कर रहे थे जो कतई न्याय संगत तो नहीं है, अगर कोई दिक्कत थी, सर्वे से कोई प्रॉब्लम थी, तो कोर्ट जाना चाहिए था, जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और सभी को इस बारे में अपना पक्ष रखना चाहिए। अब पोस्टर जारी हुए हैं, गलत किया है तो नाम तो चस्पा होंगे ही, इसको लेकर नफरत फैलाने वाली बात या इस तरह के आरोप क्यों? देखिए पारुल जी, पूरे देश और उत्तर प्रदेश के सामने सच्चाई जग जाहिर है, सच्चाई छिपती नहीं है, सच्चाई सिर चढ़ के बोलती है। सच्चाई यह है, प्रशासन पूरी तरह से या तो सुनियोजित तरीके से करवाना चाहता था या तो फेल हुआ, दो में से कुछ ना कुछ हुआ। सच्चाई यह है कि जो है जिस तरह से ये घटना हुई है, प्रथम दृष्टया लगता है 19 तारीख को सर्वे हुआ, कोर्ट के आदेश सर्वे हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे हुआ, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ और दोबारा फिर सर्वे कराने का प्रयास किया उन्होंने, कोर्ट से दोबारा आदेश लाते तब सर्वे कराते, या जो कुछ भी था, जो भी प्रक्रिया थी सर, उस प्रक्रिया को अपनाते। मैं इसको लेकर थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि जब 19 तारीख को सर्वे हुआ था तो उसके बाद सन जाने लगा था, जो कमिश्नर थे उन्होंने लेटर दोनों ही पक्ष को रिटर्न में दिया है, उसके बाद ये डेट डिसाइड हुई है। जी आगे कहें। जी अगर दिया है तो प्रशासन को एलआईयू की रिपोर्ट होनी चाहिए, सारा संज्ञान होना चाहिए प्रशासन के पास, शांतपूर्ण तरीके से सर्वे कराने के तरीके अपनाने चाहिए, अगर कुछ अशांति हो रही थी तो उसको रोकना चाहिए और अच्छे तरीके से रोकना चाहिए। ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे भीड़ उकसा जाए और उकस करके इस तरह से घटना हो। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना बहुत अत्यंत दुखद है और जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। हमारा ताना बाना खराब होता है, हमारी एकता खराब होती है, हमारी समरसता खराब होती है, हमारे में भेदभाव आता है, ऐसी घटनाएं निंदनीय होती हैं, इनका निंदा जितनी की जाए उतनी कम होती है। लेकिन प्रशासन सजग नहीं था
प्रशासन कहीं ना कहीं से लिप्त था, प्रशासन ऐसी घटनाएं चाहता था, छोड़ भी नहीं रहा है, पोस्टर जारी करके अब जो संपत्ति खराब की उसकी भी वसूली होगी। जी जी जी, मैं कह रहा हूँ प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है प्रशासन जैसे संलिप्त हो और चाहता हो, पांच पांच लोगों की जान जाती है, किसकी लापरवाही जाती है? प्रशासन ने या तो पुलिस ने किया, पुलिस ये तो जांच के बाद सामने आ जाएगा, पुलिस ने ऐसी घटना को अंजाम दिया या पुलिस ने ऐसी घटना का अंजाम होने दिया। सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता दिखाई दे रही है और ये इस लोकतंत्र के लिए, संविधान के रक्षा के लिए हमारे उचित नहीं है। संविधान की धज्जियां उड़ती हैं, इससे आपसी प्रेम होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए हमारे देश के अंदर, किसी एक धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। सच्चाई ये है और जो है सच्चाई दिखाई नहीं पड़ रही है। सांसद को हमारे सांसद को उसमें डाला गया जबकि वो थे ही नहीं, वो बाहर थे, वो जो है ये तो सरासर अन्याय है। हमारे विधायक के लड़के को कहा गया जबकि जो कि बिना किसी आधार के आधारहीन तरीके से लोगों का नाम डाला गया। ये साफ दिखाई देता है कि सरकार उत्तर प्रदेश की इस समय परेशानी में है, उसका जनसमर्थन खो गया है, उसने जबरदस्ती जीता है। 7 उपचुनाव जो जीते हैं उसमें तांडव किया, नंगा नाच किया है, हुनरकी में जो है रामपुर की तर्ज पर फर्जी मतदान कराया है, कुछ एक घटनाओं में जो है चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है और कार्रवाई भी की है, छिपा हुआ नहीं है। ये उसके खींच मिटाने के लिए अब चर्चाएं ऐसी होने लगी है कि अभी कल की घटना है जब कल की घटना है जब हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई आप लोगों की तरफ से, किसी पक्ष की तरफ से ईवीएम को लेकर, तो कोर्ट ने खुद इस मामले में कहा कि जब आप जीत जाते हैं तब किसी तरह की कोई पिटीशन नहीं आती, जब आप हारो, जी तो खुद मंच से कह चुके हैं कि कोई बात नहीं जीत के, तो ये चीजें फिर आपके ऊपर शक पैदा करती है ना ईवीएम से लेकर। तारीख में आज की आप शक करते रहिए, आज की तारीख में ईवीएम पे मैं सवाल नहीं करता हूँ, ईवीएम पे डिबेट भी नहीं है। सच्चाई ये है कि जो है वो सामने है। ईवीएम पर भी जो कुछ घटनाएं होती हैं, ईवीएम पे जैसे कि कोर्ट पढ़ते कुछ है, गिने कुछ जाते हैं, आते कुछ है, ये सारी बातें ये विषय है, डिबेट का विषय है और आगे विचार विमर्श करने का विषय है, वो तो बाद में तय हो जाएगा। लेकिन सच्चाई जो है वो संभल की घटना को जिस तरह तूल दिया गया है उससे यही लगता है कि दिल्ली और यूपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, दिल्ली और यूपी में संघर्ष हो रहा है और आपस में एक दूसरे में होड़ लगी हुई है, दिल्ली पर कब्जा करने की होड़ लगी हुई है, संभल में हो रहा है और संभल में जिन लोगों के पोस्टर लगाए गए हैं और उसको लेकर कल तक ये आरोप लग रहे थे। ठीक है, मैं लौट रही हूं अशोक जी, कल तक ये कर रही है और दिल्ली पर कब्जा करने के लिए ऐसा प्रयास कर रही है, कुत्सित प्रयास कर रही है, ये उचित नहीं है, जनता इसे विफल कर देगी। जी वाचस्पति जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बात मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं कि कल तक यही बातें हो रही थी और आज ये कहा जा रहा है कि अब कल तक ये कहा जा रहा है कि ये सब बीजेपी के प्रशासन ने, बीजेपी की नहीं पुलिस ने करवाया, और अब जब चेहरे सामने आ गए हैं तो इनको लेकर अपनी बात रख लीजिए। अब ये अब दूसरी तरफ से जो हैं वो गलत कर रहे हैं, अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग दिनों में आ रहे हैं। खैर, मैं वाचस्पति जी आपके पास आ रही हूँ, इस पर राजनीति ना हो और जो गलत कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, इसके पक्ष में आप सहमत हैं इस बात से? पारुल जी, सबसे पहले तो मैं इटावा स्टेफई पैरामेडिकल कॉलेज के जो 5 डॉक्टर्स थे जिनकी आज सड़क हादसे में कन्नौज के पास एक्सीडेंट हुई, उनकी मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं सबसे पहले। दूसरी बात, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। संभल की घटना जो हुई है उसको पहले समझने की जरूरत है। 1904 की धारा के तहत, 1904 के तहत 1904 में एक कानून बना था, उसके तहत 1920 में एक ये आया कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी संरक्षित साइट में इसका शुमार हुआ, इस जामा मस्जिद का। इसके बाद इसके क्रोनोलॉजी को समझिए कि इसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 में आया, जो उसने व्याख्या कुछ यूं है कि 15 अगस्त 1947 के अनुसार यथास्थिति को बहाल रखा जाएगा। इसमें अयोध्या का जो मामला था वो परंतु रखा गया चूंकि वह 1947 से पहले अदालत के दरमियान था। उस पर फिर जो यूयू ललित साहब के खंडपीठ में एक मसला इसी के सिलसिले में गया, यूयू ललित साहब ने उस समय सरकार से पूछा कि इस पर हलफनामा दायर करें। आज तक मोदी सरकार ने इस पर कोई हलफनामा नहीं दिया है। इस प्रॉपर्टी को लेकर वाचस्पति जी ये भी कहा गया कि बस उसी पर मैं एक्चुअली पीछे से लेके आ रहा था, घटना को लेके आ रहा था। उसमें आदित्य सिंह जी जो सिविल जो सीनियर डिवीजन है
उन्होंने 19 तारीख को इसका सर्वेक्षण कर दिया, ठीक है, सर्वेक्षण हुआ। उसके बाद आप ये बताइए कि दूसरे पक्ष को आपने नोटिस सर्वे जो 21 नवंबर में जो घटना हुई उसमें आपने नोटिस सर्व कब किया है? 7:30 बजे 8 बजे जब आप मैं आपकी हर बात से सहमत हो सकती हूँ वाचस्पति जी, लेकिन इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होती। अगर आपको कोई गिला है, आपको लगता है कि न्याय नहीं हुआ है, किसी भी पक्ष को लगता है न्याय नहीं हुआ है, तो पत्थरबाजी करना ये हमारे देश में कतई न्याय संगत नहीं है। इस पर आइए ना, वो चीजें हो गई, उस पर बात हो गई। अब ये दंगा क्यों भड़का, कौन है इसके पीछे, कौन है इसका रचयिता, इस पर बात करनी होगी। वही मैं बात कर रहा हूँ, जब धारा 144 लगी हुई थी तो उसमें बिल्कुल स्थानीय प्रशासन को चाहिए था कि राइट, आपने वहां पर असेंबल कैसे करने दिया गया, वहां पर आपने असेंबल हुए, उसकी सारी की व्यवस्था हुई, ये सब कुछ हुआ। मेरा ये मानना है कि जो गांधीवादी तरीका है किसी भी आंदोलन को करने के लिए आपको गांधीवादी तरीका अपना चाहिए। जैसे नीरज जी ने कहा कि बिल्कुल आप अपने मुद्दे को कहिए, क्योंकि जब आप कोई आंदोलन करते हैं और वो हिंसात्मक हो जाता है तो जो सरकारी मशीनरी है उसको क्रश करना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे आप आजादी के आंदोलन को देख लीजिए, गांधी जी ने क्यों किया था, क्योंकि अंग्रेजों के पास असीम शक्ति थी। आप जब हिंसात्मक आंदोलन करेंगे तो इस प्रकार की कार्य करने का, जिसका कि अन्य विपक्षी पार्टी और सभी लोग कह रहे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके पोस्टर लगा जा रहे हैं, उनको क्रश करने की बात हो रही। सवाल यह है कि जब आपके पास अहिंसात्मक तरीका है, आपको अहिंसात्मक तरीका करना चाहिए, उसमें अहिंसात्मक तरीके से बात करिए। गांधी का देश है ये, गांधीवादी तरीके से आपको अपनी कोई बात करिए। आप ईंट पत्थर चलाएंगे प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर, अगर ईंट पत्थर आप देख लीजिए तो मुझे तो नहीं लगता कि वो कहीं से आके कहीं सड़क वड़क के किनारे पड़े होंगे, इतने सारे ईंट पत्थर फेंके गए, ट्रक भर के निकले हैं सर, ट्रक भर के, उसके तैयारी ट्रक अपने जो भी संख्या है वो बहुत सारे दिख रहे हैं, उसका मतलब ये साफ साफ दिख रहा है। फिर तो उस पर पैलेट गन, फिर आ जाता है शासन की बात, शासन की कमी ये है कि उनको आपने संभल क्यों होने दिया। चलिए उसके बाद फिर आपने जो कार्यवाही की उसमें आपको पैलेट गन चलाने के साथ साथ 315 बोर की का उस पर आप जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें 315 बोर के हथियार का चलाया जाना साबित हो रहा है। 315 बोर का हथियार चलाया किसने, जब पुलिस गोली चला रही थी तो बिल्कुल सारी चीजें जांच का विषय है, लाई है ना, लेकिन जांच का विषय है। अब सवाल ये है, उनके चेहरे सार्वजनिक हो गए हैं। पारुल जी के अंत में 10 सेकंड एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया है चंद्रचूड़ जी ने, जिसमें उन्होंने कहा कि उसके तहत 1991 वर्षीय बैठ के तहत हम किसी भी यथास्थिति को तो बरकरार रखेंगे, लेकिन इसके पूर्व की स्थिति क्या थी उस पर आप बिल्कुल समीक्षा कर सकते हैं। ये एक पंडोरा बॉक्स खुल गया है, इसमें ज्ञानवापी मस्जिद और इस तरीके के बहुत सारे कुतुब मीनार, थोड़ा सा बहुत सारी घटनाएं आएंगी, कई सारी घटनाएं नजीर पेश कर दी है, जिससे रोज हर जिले की राजनीति हर पक्ष ने की बात हो सकती है, हर राजनीतिक पार्टी ने बचना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। हाँ, धर्म की राजनीति की है और अभी भी फायदा लेने की कोशिशें हो रही हैं। हरिंद्र जी, दोनों ही विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता हमारे बीच बैठे हुए हैं, उनकी बातों का जवाब दें, उसके बाद में नीरज जी के पास जा रहे हैं। कहिए जी। पारुल जी, जैसा की सभी को संज्ञान में है, अभी हमारे साथी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि 19 तारीख को शांतिपूर्ण जब हो गया था तो दोबारा क्या आवश्यकता थी। मैं बताना चाहता हूँ सबको जानकारी, 19 तारीख को जब जेलो सर्वे के लिए गए तो वहां पर कम से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और दबाव बनाया, वहां से इनको भागने पर मजबूर कर दिया कि आप लोग यहाँ से भाग जाइए, नहीं मैं संभाल नहीं पाऊंगा और कोई दुर्घटना हो जाएगी। तो उस दिन फोर्स कम था, अतः जो सर्वे की टीम वापस आ गई, और जो सर्वे की टीम गई थी निश्चित रूप से वो कोर्ट द्वारा निर्धारित टीम थी। उसके बाद अगली डेट दी गई 24 तारीख में पूरा फोर्स सहित डीएम एसपी और एडीएम एसडीएम सारे के साथ और सर्वे की टीम पुनः जब जाती है तो शांतिपूर्वक ढंग से जाकर सर्वे का काम करने का प्रयास करती है, लेकिन उसके बाद आधे घंटे बाद वहां हजारों की संख्या में जब एक समुदाय के लोग जाके पहुंच जाते हैं। वो सब पर हम चर्चा कर चुके हैं हरिंद्र जी, ये बताइए पोस्टर लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कार्रवाई तो आप तब भी कर रहे थे। पोस्टर लगाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब भी कोई क्रिमिनल होता है तो उसको जज जाहिर होना चाहिए कि फला फला लोग क्रिमिनल है, इनको आप कहीं भी आरक्षण मत दीजिए, ये कहीं पर देखे तो आप पुलिस को सूचना कीजिए,
इन लोगों ने सरकार के विरोध में शासन की छत्ती की है, गाड़ियों में आग लगाई है, बिल्डिंगों में तोड़फोड़ की है, और उन्हीं में से किसी व्यक्ति ने फायरिंग भी की है जिससे कुछ लोगों की कैजुअल्टी हुई है। यदि जिन लोगों को चिन्हित नहीं किया गया तो आगे इन लोगों को और बढ़ावा मिलेगा, और इसमें तेल डालने का काम करती है समाजवादी पार्टी। पार्टी दो मोहे राजनीति करते हैं, यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ खड़े होकर के वोट की राजनीति है, और जब कार सेवक लोग वहाँ पर विवादित ढांचा पर कार सेवक कर रहे थे तो यही पार्टी के लोग कार सेवकों पर गोलियां चलवाते हैं। जब तक अब जनता वही राज करेगा जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो लोग अपनी गलतियों को एहसास नहीं कर रहे। इसमें भी मुझे लगता है राजनीतिक रोटियां सेकने की बीजेपी जीती, नौ में से सात सीटें बीजेपी जीती, उसका कारण यही है। लौट रही हूँ जी परुण जी, मैं वापस नीरज सर आपके पास आ रही हूँ। रामगोपाल जी ने ये भी कहा कि पुलिस राक्षस है, पत्थर मारने वाले जो है उनको मासूम बताया उन्होंने। इसी तरह की कई सारी टिप्पणियां आई, अब आज आते आते कुछ चीजें बदलना भी शुरू हो गई। एक तरफ मैं ये भी आपका ध्यान लेकर जाऊंगी कि दो ऐसी घटनाएं हुई हम देखें तो, जिसमें कानपुर की भी का भी जिक्र, बहराइच का भी जिक्र है, और अब ये तीसरी घटना ऐसे से जुड़ी हुई, हालांकि ये चुनाव के बाद हुई। कानून व्यवस्था पर सवाल उठना खड़े हो गए, और ये मामला तो और ज्यादा सेंसिटिव। ये जो पोस्टर लगाकर ये बताने की कोशिश की गई है कि करेंगे तो नहीं बचेंगे या किसी भी तरह की घटनाओं को, ये कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की तो एक तो आवश्यकता है ही, दूसरा ये भी समझाने की कोशिश कि इस तरह से आप किसी भी मामले में हिंसा करेंगे तो कतई बर्दाश्त नहीं होंगे, ये एक संदेश आगे की घटनाओं के लिए भी जाएगा। अब ऐसी घटनाएं नहीं होंगी इससे सुनिश्चित किया जा सकता है, ये काफी होगा सर, आपको लगता है? नहीं, निश्चित रूप से इससे एक सरकार का मैसेज जाता है कि अगर आप कोई गलत घटना करते हैं और सरकार की जानकारी में आते हैं और भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, उसका ढूंढने का तरीका यही है कि पोस्टर लगा दिए जाएंगे तो जो जनता देखेगी और आपके बारे में बताएगी। लेकिन एक चीज घटना में यह भी आई पारुल जी, जो लोग मरे पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई कि देसी तमंचे से गोली चली है 315 बोल की। अगर पुलिस पत्थरबाजी का जवाब गोली से देती तो कितने लोग मर जाते। तो निश्चित रूप से मरने वाले के घर वाले तो परेशान नहीं है। और क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी कमजोर हो गई कि 315 बोर का तमंचा लेकर जाएगी? वहां 303 की राइफल होती है उनके पास। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था को खराब करने का पूरा प्रयास किया गया। जैसा मैंने पहले कहा पारुल जी, प्रदेश कोई भी हो, सरकार का इकबाल, कानून का इकबाल बुलंद रहना चाहिए और आपको न्याय संगत बात करनी चाहिए। अगर अदालत का आदेश तो आप भी अदालत जाते। और अभी जैसे लेकिन आप पुलिस को ही राक्षस कहने लगे और कानून पर ही सवाल उठाने लगे तो फिर ऐसे दंगे हर जगह होंगे। निश्चित रूप से इस तरह की टीका टिप्पणी, मुझे लगता है कि रामगोपाल यादव जी बड़े सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, प्रोफेसर भी है, डॉक्टर भी उनको कहा जाता है, तो उनको इस तरह का बयान मुझे लगता है नहीं देना चाहिए। तो क्योंकि अदालत में आप जाते हैं, जैसे अभी मजिस्ट्रेट की जांच सेट कर दी गई है, तो अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करिए। 30 तारीख को कहा जा रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो मिलने जाना चाहते हैं वहां लोगों से, जबकि वहां पर अलाउड नहीं है मिलना क्योंकि वहां के सेंसिटिविटी को देखकर। क्या ऐसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं हो रही अशोक जी? 30 सेकंड्स में अपनी बात रखिएगा। देखिए आप कैसी बातें कर रही हैं, विपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी अगर जाना चाहते हैं तो उनको जाने देना चाहिए, उनसे कोई कानून व्यवस्था खराब होगी। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी जाना चाहते हैं तो उन्हें जाना देना चाहिए। समाजवादी पार्टी का जो शिष्टमंडल जाना चाहता था उसको रोका गया। ये कहां का न्याय है लोकतंत्र में कि अपोजिशन पर आप विश्वास नहीं करते हैं, विपक्ष पे आपको विश्वास नहीं है? मैंने किसी भी नेता के मुंह से इन 100 चेहरों के बारे में नहीं सुना अशोक जी कि इनको इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें जेल जाना चाहिए या इनकी संपत्ति को लेकर। देखिए अगर कोई वहां के माहौल को ठीक करने के लिए, वहां के जो परेशान लोग हैं, जो हताहत लोग हैं, जो उनको सांत्वना देने के लिए अगर कोई जाना चाहता है माहौल को अच्छा करने के लिए विपक्ष का नेता, तो लोकतंत्र की गरिमा साथ देना पड़ेगा ना सर। अच्छा, लोकतंत्र की गरिमा, लोकतंत्र की गरिमा यह होती है कि उसके जाने देना चाहिए। अखिलेश यादव जी वहां पर व्यवस्था बिगाड़ेंगे, अगर वहां पर राहुल गांधी जी किसी तरह की व्यवस्था बिगाड़ने के संकेत हैं, का गला घोटा जा रहा है। ठीक है सर, समय मुझे इतना इजाजत दे रहा था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का। हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, हाल ही में जो संभल में घटना हुई उसके बाद चेहरों को चिन्हित किया गया, आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, ये सारे फोटो उन्हीं लोगों के हैं जो पत्थरबाजी कर रहे थे, पत्थर लेकर
पुलिस वालों पर पत्थर बरसा रहे थे और इसके अलावा इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इनके पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी से जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ है उसका भरपाया किया जाएगा। इसको लेकर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं जो आपने इस डिबेट में भी सुने, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई ऐसी घटनाओं का इंतजार किया जाता है कि ऐसी घटनाएं हो और राजनीति शुरू हो जाए। और अब देखिए राजनीतिक रोटियां भी ऐसी घटनाओं पर सेकी जा रही हैं, जब ये मालूम है कि बहुत सेंसिटिव है इस वक्त वहां पर माहौल, लेकिन उस पर भी मिलने की बात कही जा रही है पुलिस के मना करने के बावजूद। और फिर बयानबाजियां देखिए कि पुलिस राक्षस है, जिन्होंने पत्थरबाजी की है वो मासूम है। इस तरह के बयान क्या संकेत देते हैं आपको, किस तरफ आपको आपका झुकाव दिखाते हैं, ये सारी चीजें हैं। और ये भी बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए कि चूंकि कुंदरकी में बड़ी हार हुई है इसलिए सपा ने ये करवाया है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगे। बहरहाल अब आगे क्या होगा ये देखना होगा। दीजिए इजाजत। नमस्कार।